नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार, जयसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में हमने आपको रिव्यू दिया था, बहुत ही अच्छा रिव्यू था, टॉपिक वाइज सारा कुछ बताया गया था आपको। तो कल जिनका पेपर है उनके जो सेकंड शिफ्ट में रिव्यू है, दोनों शिफ्ट में मिला के सारा कुछ आपको कंक्लूजन मिलने वाला है। और जल्द यहाँ पे कैंडिडेट आ चुके हैं बाहर, और इनसे हम मिलाने की कोशिश करेंगे, इनसे डिटेल के साथ जाने की कोशिश करेंगे किस टॉपिक को जो है सेकंड शिफ्ट में ज़्यादा जो है कवर किया गया है, और कौन कौन से जो है टॉपिक है जो ज़्यादा क्लियर है। सर पेपर कैसे गया? अच्छा था। कितना स्कोर गया सर? ओके ओके, चलिए ठीक। तो यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट मैंने देखा था ज़्यादातर क्वालिफाइड थे, और सतना विट्स कॉलेज का फर्स्ट शिफ्ट में 125 जो हाईएस्ट स्कोर रहा है, और सेकंड शिफ्ट में हम भी जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। सर पेपर कैसे गया? पेपर कैसे गया सर? ठीक है सर। कितना स्कोर गया सर? 75। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए 75 अभी यहाँ पे मिला है, और भी जानने की कोशिश करते हैं क्या क्या वगैरह जो है टॉपिक वाइज भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम पेपर कैसे गया? तो यहाँ पे बोलने को भी नहीं है, बोल भी नहीं सकते हैं, बता भी नहीं सकते हैं स्कोर वगैरह, जानने की और भी कोशिश करते हैं। मैम पेपर कैसे गया? अच्छा गया। कितने स्कोर गया मैम? मेरा 76 है। 76 क्वालिफाइड है जी। ये बता सकते हैं हिंदी में सेकंड टॉपिक में क्या ज्यादा टॉपिक किया? रचनाएं थी जी, उपन्यास थे जी जी जी, और यही गद्य पद्य। सब शक्ति पूछी गई कि नहीं जी? कितने क्वेश्चन थे? दो तीन क्वेश्चन थे। ओके ठीक। मैम पेपर कैसे गया? चलिए ठीक है, यहाँ पे नहीं बोला जा रहा है, और भी जानने की हम कोशिश करते हैं क्या क्या टॉपिक वाइज है। शब्द शक्ति इस बार भी पूछी गई है, लेकिन फर्स्ट शीट में ज़्यादा पूछी गई थी, सेकंड शीट में जो है कम पूछा गया है, और भी जानने की हम कोशिश करते हैं क्या क्या है। मैम पेपर कैसे गया? सर आइए थोड़ा सा, पेपर कैसे गया? पेपर सही गया। कितना स्कोर है? 94 नंबर। 94। कांग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाइड। एक मिनट का, ये बता सकते हैं हिंदी साहित्य से किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है? साहित्य से कवर किया गया है। और रचनाएं वगैरह? हाँ रचनाएं भी आई थी। कवियों के अगर नाम वगैरह पूछे? कवियों के नाम भी आए। अभी आ जाइए। कितने स्कोर है? 111। कांग्रेचुलेशन, आप अभी तक हाईएस्ट है। ये बता सकते हैं हिंदी साहित्य में शब्द शक्ति कितनी क्वेश्चन आए थे? छंद और वाच्य से ज्यादा आए थे क्वेश्चन। और वाच्य से पूछा गया था, और कुछ वही टॉपिक आप? और साहित्य से। साहित्य के लगभग कितने क्वेश्चन पूछे गए? काफी क्वेश्चन, ये नहीं अंदाजा, लेकिन ओके ओके चलिए। मैम पेपर कैसे गया? सर पेपर कैसे गया? अच्छा गया। कितना स्कोर है सर? एक मिनट के लिए। मेरा 92। कांग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाइड हैं। ये बता सकते हैं हिंदी में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया? हिंदी में ब्रह्मचिन्ह आए थे 7 से 8। ब्रह्मचिन्ह आए? बिल्कुल जी। और जो वाच्य नहीं होता है कर्म वाच्य भाववाच्य, इससे क्वेश्चन थे 7-8 वाच से क्वेश्चन आए जी। बिल्कुल। और रचनाएं वगैरह कवियों के? रचनाएं बहुत थी। रचनाएं बहुत थी। हाँ कम से कम 12-15 रचना। 12-15 रचनाएं पूछी गई। बिल्कुल। और आपकी हिंदी पेडागोजी में क्या पूछा गया? कोई पेडागोजी का तो याद नहीं है वैसे, बाल विकास और पेडागोजी। बाल विकास मतलब कितने क्वेश्चन पूछे गए? बाल विकास से 12-13 क्वेश्चन। 12-13 क्वेश्चन जी। और जो रीजनिंग में फर्स्ट टॉपिक में कितने किस टाइप के नंबर सीरीज आई थी कि बोर्ड मार्क्स? रीजनिंग में कुछ ज़्यादा नहीं था जी, 4 या 3 क्वेश्चन थे। आपके लैब में कितना हाईएस्ट आया? मेरे में 128। और भी जानिए सर पेपर कैसे गया? यहाँ पे बोलने की कतई तैयार नहीं है, क्या कैसे गए? मैम आइए थोड़ा सा, पेपर कैसे गया? बताओ कैसा गया पेपर? बहुत अच्छा गया। कितना गया स्कोर? मेरा स्कोर तो 96 है। 96। कांग्रेचुलेशन, आप क्वालिफाइड। आपके लाइफ में कितना है पता है? मेरे लाइफ में तो मैं एक देखा था बंदे का, तो 123 ठीक है। ये बता सकते हिंदी में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया इस बार? हिंदी में ग्रामर से तो कर्तृवाच आए थे ज़्यादातर। और शब्द शक्ति के दिन लगभग प्रश्न पूछे? नहीं, उसमें कोई कमी नहीं है। विराम वगैरह से पूछे जाते हैं? कॉफ्टे वगैरह में हाँ चिन्ह आते थे, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह आया ना। हाँ। और आपके कहावत हो गए, मुहावरे वगैरह आई हूँ? वो नहीं आए। नहीं आए, नहीं आए। और कोई टॉपिक अगर आपको पता हो हिंदी साहित्य? यार हमें बताओ यार। हाँ सर बताइए कितना स्कोर है? मेरा 118 है। 118। कांग्रेचुलेशन, आप भी क्वालिफाइड है मेन एग्जाम के लिए। आपके ये बता सकते हैं हिंदी साहित्य में किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया, किस टाइप के प्रश्न आए थे? देखिए बहुत मतलब कि कठिन प्रश्न नहीं आए थे, जैसे मान लीजिए कि साहित्य में क्या नाम से महादेवी वर्मा जी, महादेवी भगवती चर वर्मा, ये सब माखनलाल चतुर्वेदी, यही सब प्रश्न पूछे थे। और व्याकरण में जैसे मान लीजिए कि आपका संधि आया था, संधि आ गया, और विराम चिन्ह आया था। विराम चिन्ह ज़्यादा पूछे? हाँ विराम चिन्ह बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। और
क्या नाम से 118 और कोई टॉपिक अगर आपको और यही सब सामान्य हिंदी शुद्ध वाक्य लेवल 8वीं तक का पूछा गया कि 10th लेवल तक का पूछा गया। देखिए हम तो आए हैं इलाहाबाद से, अभी तो हमें नहीं मालूम कहाँ से इसका सिलेबस है। हम लोग पढ़ इलाहाबाद से पहले शिफ्ट में मैंने देखा था, इलाहाबाद के ही थे दोनों फ्रेंड से, उनका हाईएस्ट 120 और 125 था। इलाहाबाद से क्या कनेक्शन हम मान सकते हैं हाईएस्ट स्कोर आ रहा है, मतलब वहाँ पे ज्यादा इसका ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा ज्यादा कुछ ज्यादा इलाहाबाद से की अब रहकर पढ़ाई करते हैं। हम इलाहाबाद से रहकर पढ़ाई करते हैं, मेरा घर है मिर्जापुर में। ओके सर, थैंक यू मैम। पेपर से अच्छा था पेपर सर, 101 गया है मेरा। कांग्रेचुलेशन, आप भी क्वालिफाइड है, थोड़ा साइड में आ जाइए। हिंदी में किस टॉपिक को ज्यादा कवर किया गया? इसमें वो कर्मवाच, भाववाच, कृतवाच ये सबसे ज्यादा आए थे, विराम चिन्ह आए थे, रचनाएं भी आई थी। रचनाएं कोई कवि का नाम? रचनाएं वो अमृतलाल नागर की आई थी, अमृत और विष जो है। जी सर, और हो गया, अच्छा ही था पेपर। हिंदी में पेडागोजी पूछी गई थी कि नहीं? हाँ पूछी गई थी सर, 10-20 प्रश्न आए थे उससे। हाँ, किससे संबंधित प्रश्न पूछा गया था? उससे वो बालक का विकास कैसे होता है और ये सब, और कोई मनोवैज्ञानिक का नाम आया? हाँ कोलर का आया था, हाँ बांडुरा का भी आया था सर। जी सर, जी सर। और फर्स्ट पार्ट में जो है हिंदी में गद्यांश पद्यांश आई? हाँ आए थे, दोनों में गद्यांश आए थे और दोनों में पद्यांश। वो एक का पहले का 8 था और दूसरे का 10 नंबर का था। 10 नंबर का, जिस उससे मेरे पूरे नंबर बन गए हैं। थैंक यू। नमस्ते। तो और भी यहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं सर, पेपर कैसे गए? पेपर था आपका? नहीं हमारा पेपर था मैम। कितने? तो यहाँ पे भी जानने की कोशिश करें सर, पेपर कैसे गया? कितना स्कोर गया सर? हो चुके, थैंक यू। यहाँ पे देखिए हाईएस्ट अभी मैंने देखा है 228 जो है हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर हम मान सकते हैं। पहले शिफ्ट में 125। मैम पेपर कैसे गया? पेपर बता सकते हैं कैसे गया? एक मिनट के लिए। तो यहाँ पे देखिए हाईएस्ट है 128 हाईएस्ट है। आइए आइए थोड़ा सा, आइए आइए आप, एक मिनट के लिए आइए। और भी देखिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कैसा है। नहीं बता सकती क्योंकि मुझे याद नहीं है उतना। कितना स्कोर का है मैम? मेरा 110। 110। कांग्रेचुलेशन, आप भी क्वालिफाइड हैं। हाँ। आपके लाइफ में कितना एडजस्ट है? मेरे लाइफ में शायद 118 जो वो खड़े थे वही बता। अच्छा, वही थे। हाँ। और कोई टॉपिक अगर आपको पता हो किसमें ज्यादा टॉपिक? अधिगम बहुत आया था। अधिगम से? हाँ अधिगम से आया था। पेडागोजी का पार्ट हो गया, बाकी हिंदी से इतना आया था उतना। कितने लेवल तक का पूछा गया? 10th या 8th क्लास बोल सकते? अब 10th क्या, ये ग्रामर पोर्शन इजीली था कि? ग्रामर पोर्शन ज्यादा नहीं था, वो मतलब जो अकर्मक, क्रिया, सकर्मक ये सब। हाँ, भाववाचक, कृतवाच ये नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा गया ना। विलोम शब्द, पर्यायवाची, अलंकार, अलंकार हाँ एक दो पूछे गए, छंद पूछे गए। सबसे ज्यादा इसमें भाववाच, कृतवाच ये सब पूछा गया। हाँ विराम चिन्ह, एक दो क्वेश्चन विराम चिन्ह से भी आए। आपके जो अलंकार में एग्जाम्पल उदाहरण दिए हुए थे या कि हमें बताया गया था कैसे किस प्रकार के प्रश्न? अब छंद अलंकार में आप बता रहे हैं छंद से प्रश्न आया हुआ था? हाँ छंद से 2-3 क्वेश्चन आए थे। एक आया था वो रामायण में चौपाई है, रामायण में चौपाई वो क्या है उसका मुंह कोई बात अल्पंगी वाला आया था। और कोई टॉपिक फर्स्ट पार्ट में जो है पेडागोजी में कोई टॉपिक अधिगम संबंधित आपको पता हो? नहीं मुझे याद नहीं। ओके चलिए थैंक यू। और भी जानने की कोशिश करते हैं मैम पेपर कैसे गया? बताइए सर किस चैनल पर आएगा? जयसवाल कोचिंग से। जयसवाल कोचिंग सेंटर? यस यस। स्कोर सर 120। कांग्रेचुलेशन, आप भी क्वालिफाइड हैं। बता सकते हैं हिंदी साहित्य में लगभग किस टॉपिक को ज्यादा कवर किया गया? इसमें से ज्यादातर वाच्य परिवर्तन से आया था, उसके बाद साहित्य से पूछा था, व्याकरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन। व्याकरण में किस टॉपिक को ज्यादा? वाच्य से ज्यादा क्वेश्चन आया, विराम वगैरह पूछे गए थे। हाँ और वो चिन्ह से ज्यादा क्वेश्चन, कहावतें वगैरह, मुहावरे, मुहावरे ज्यादा नहीं पूछे गए थे। छंद अलंकार? हाँ छंद से क्वेश्चन ज्यादा दिए। छंद से किस टाइप उदाहरण दिया हुआ था किया कि बताने के लिए? उदाहरण दिया था उसका वो पूछा था कि कौन सा छंद है, वर्णिक है या मात्रिक है, यही पूछा था। अच्छा ये पूछेगा। और हिंदी में पेडागोजी भी आई कि नहीं आई? नहीं बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिले, साइकोलॉजी देखने को ज्यादा मिली। हाँ फर्स्ट पार्ट में क्या मैथ्स में रीजनिंग और कोई नंबर सीरीज का कोई क्वेश्चन? रीजनिंग में 4-5 क्वेश्चन थे। जी जी। हाँ मैथ हिंदी में, इंग्लिश में PQRS से संबंधित पूछा गया क्या? हाँ वही पूछा गया। और वही हिंदी में आया होगा गद्यांश पद्यांश एक एक दिया गया? हाँ गद्यांश पद्यांश आया था, 2 पद्यांश आए थे और लगभग 2 गद्यांश आए थे। और फर्स्ट में CDP बाल विकास में 10 नंबर की क्या 10 नंबर पूछी गई? हाँ हाँ लगभग 10 क्या 10 से ज्यादा ही पूछी गई। मनोवैज्ञानिक का नाम दिया गया हो या कि संबंधित? जैसे कोहलबर्ग का दिया गया था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संज्ञानात्मक विकास जो जीन पियाजे का, जीन पियाजे जी के चारों ओर स्थान जी आए थे। ओके मैम थैंक यू। मैम नाम, कम नाम आपका? रुचि तिवारी। कहाँ से हैं?
इलाहाबाद से। चलिए इलाहाबाद से मैंने देखा हूँ हाईएस्ट यहाँ पे स्कोर है, इलाहाबाद से ही हाईएस्ट यहाँ पे बन रहा है और सारी चीज़ें जो है पॉसिबल हमने बताया। फर्स्ट सीट में जो है इलाहाबाद के ही थे, उनका जो हाईएस्ट स्कोर था 125 था और अभी जो है आपके हाईएस्ट सेकंड सीट का हम बता सकते हैं सतना विश्व कॉलेज का 128 गया है। तो सारे कुछ हमने बताया, कवर किया किस टॉपिक को ज़्यादा कवर किया गया है, लगभग जो फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ था कुछ चेंजेज हुए हैं, जैसे आपके अल्पविराम वगैरह नहीं पूछा गया था, शब्द से जो ज़्यादा प्रश्न पूछी गई थी, तो सारी चीज़ें पॉसिबल हमने बताया। कल के पेपर में इन चीज़ों को टॉपिक को अधिक से अधिक आप लोग कवर करें ताकि आप लोग मेन एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हो सके। मैं आपके साथ जयसवाल सर कल मिलता हूँ आपके फर्स्ट शिफ्ट के रिव्यू के माध्यम से। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।